गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पार्ट पांच है लिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम इसमें पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, दोहरान कर लेते हैं। अब लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब देखिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखिए, इसका अभ्यास पत्र है, प्रश्न एक है। सामने दिए चित्र में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर आपको उचित स्थान में भरना है या लिखना है। देखिए, पुल्लिंग अलग दे रखे हैं और स्त्रीलिंग है। हमको इसमें से जो सामने जो चित्र दे रखा है उसमें से हमें छांट के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखने हैं। अब देखिए, इसमें पुल्लिंग कौन कौन से शब्द हैं? देखिए, बाघ, माली, छात्र, पुत्र, आदमी, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द। और स्त्रीलिंग कौन से हैं? बाघिन, माली, मालिन, छात्रा, पुत्री, औरत, ये क्या है सब? स्त्रीलिंग। अब देखिए, प्रश्न दो है, चित्रों को देखकर उनके लिंग बदलकर लिखिए। जैसे घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी, चूहिया का चूहा, मोर का मोरनी, अध्यापिका का अध्यापक, शेर का शेरनी। अब देखिए, प्रश्न तीन है, शब्द के सही रूप से वाक्य को पूरा करिए। देखिए, इसमें क है, बच्चों को पढ़ा रही है अध्यापक या अध्यापिका, तो इसका सही उत्तर क्या है? अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। दूसरा है ख, फूल तोड़ रही है लड़का या लड़की, तो इसका उत्तर है लड़की फूल तोड़ रही है। ग है, मंच पर नाटक कर रहा है लड़का या लड़की, तो इसका सही उत्तर है लड़का। कहानी लिख रही है लेखक या लेखिका, तो इसका सही उत्तर है लेखिका। अब देखिए, प्रश्न चार है, ई जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। हमें यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, हमें बड़ी ई को जोड़कर स्त्रीलिंग बनाने हैं। देखिए, लड़का का क्या होगा? लड़की, मौसा का मौसी, पुत्र का पुत्री, बकरा का बकरी, बच्चा का बच्ची। अब देखिए, सामने एक चित्र दे रखा है, आपको रेखा खींच कर जोड़ों का मिलान करना है कि किस जोड़े को हमने किससे बनाया मिलाया है। देखिए, अब आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है ख, लिंग के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ये हमारा चैप्टर, इसका हमने आज जो दोहरान किया है इसको आपको अच्छे से याद करना है। आपका हिंदी फर्स्ट का पेपर 5 नवंबर को है और हिंदी सेकंड का जो पेपर है वो 6 नवंबर को है। आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है, मात्राओं का ध्यान रखना है, अपनी राइटिंग को भी साफ सुथरा रखना है, प्रश्नों को पढ़ के उसको समझ के उसके उत्तर देने हैं। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। धन्यवाद।